सभी को गुड मॉर्निंग। और अच्छा आज वो चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये कंटिन्यू करेंगे और आज इसका एंड हो जाएगा। पेज नंबर 21 खोलिए। पेज नंबर 21 देखिए, लास्ट में जो पैराग्राफ है पेज नंबर 21 का नीचे नीचे है वो पैराग्राफ, वहां से आज स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, किताब में स्टार्ट करते हैं ना। In life, every man has twin obligations. तो पहले ही बताए थे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये क्या है। ये नेल्सन मंडेला का जो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट थे उनका ऑटोबायोग्राफी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑटोबायोग्राफी का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट हम लोग का सिलेबस में है, वो पढ़ रहे हैं हम। तो जो चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, और उसका 2 दिन क्लास हो चुका था, आज तीसरा क्लास है ये, थर्ड क्लास। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। लाइफ में प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक आदमी का क्या होता है? ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं। ट्विन मतलब डबल, दो, टू। ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या है? व्हाट डज द व्हाट ऑब्लिगेशंस मीन, किसी को पता है ऑब्लिगेशंस? ऑब्लिगेशंस का मतलब है रेस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य, ड्यूटी। तो जिंदगी में हर व्यक्ति, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। कौन कौन दो? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। तो एक फैमिली के प्रति उनका कर्तव्य होता है, फैमिली के प्रति एक जिम्मेदारी होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अपना पेरेंट्स के प्रति होता है, वाइफ के प्रति होते हैं एंड चिल्ड्रेन के प्रति होते हैं। तो एक ऑब्लिगेशन किसके प्रति है? अपना फैमिली के प्रति, और फैमिली में जो मेंबर्स रहते हैं, फैमिली मेंबर्स के प्रति एक ऑब्लिगेशन है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अपना फैमिली के प्रति होता है, फैमिली में कौन कौन रहते हैं? पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रेन, इनके प्रति एक ऑब्लिगेशन यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, टू हिज कम्युनिटी, टू हिज कंट्री। और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एक कर्तव्य, और एक ड्यूटी किसके प्रति होता है? अपना लोगों के प्रति। कौन लोग? हिज कम्युनिटी, अपना जो समुदाय है, समुदाय के लोग, अपने सोसाइटी के लोग, समाज के लोग, और हिज कंट्री, अपना देश के जो लोग होते हैं उनके प्रति। तो टू ऑब्लिगेशंस कौन कौन सा है? एक तो होता है द ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, फैमिली के प्रति होता है, और एक ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन टू हिज कंट्री, टू हिज कम्युनिटी, और टू हिज पीपल, मतलब द पीपल ऑफ हिज कंट्री। समझ में आया? तो ये प्रत्येक लोगों का, प्रत्येक व्यक्ति का जिंदगी में होता है, प्रत्येक, एवरी पर्सन, दिस हैपेंस इन द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। ही हैज टू रेस्पॉन्सिबिलिटीज, टू ऑब्लिगेशंस, वन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज चिल्ड्रेन, और टू हिज वाइफ, नंबर वन, और नंबर टू टू हिज पीपल, टू हिज कम्युनिटी, टू हिज सोसाइटी, और टू हिज कंट्री। अगर समझ में, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सिविल सोसाइटी में, नागरिक समाज में, और ह्यूमन सोसाइटी मतलब मानव समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। तो एक सोसाइटी में, समाज में, एक सिविल सोसाइटी में क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति, ईच मैन, प्रत्येक आदमी इज एबल, वो सक्षम है, वो एबल है, उसके अंदर वो एबिलिटी है क्या करने का? टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, ये दो ऑब्लिगेशंस बोले हैं ना,
ये ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने का, पूरा करने का एबिलिटी उनके अंदर है, क्षमता उनके अंदर होते हैं। तो दो जिम्मेदारी जैसा होता है, जो दो ऑब्लिगेशंस होते हैं तो वो फुलफिल करने का एबिलिटी भी उनके अंदर होता है, क्षमता भी उनके अंदर होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज, वो अपना इंक्लिनेशन से, अपना डिजायर से, अपना इच्छा से वो पूरा करते हैं और अपना एबिलिटीज से उसको पूरा करते हैं। तो दोनों जिम्मेदारी को पूरा करते हैं अपने इंक्लिनेशन से, यानी अपना डिजायर से, अपना इच्छा से, एंड एबिलिटीज से, अपना क्षमता से। तो पेज नंबर कितना है? जब स्टार्ट किए थे पेज नंबर 21 था, अभी पेज नंबर 22 है, और ये है फर्स्ट और सेकंड लाइन जो पढ़ रहे थे, है ना? पेज नंबर 22 का फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, अपना इच्छा से, अपना एबिलिटी से, अपना क्षमता से, वो ये सब ऑब्लिगेशंस को, ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, ये सब जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। तो ऑब्लिगेशन का हिंदी क्या होता है? जिम्मेदारी होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य, ड्यूटी, है ना? समझ में आया? यस सर। तो इंग्लिश इसका है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, और हिंदी है कर्तव्य और जिम्मेदारी। तो प्रत्येक व्यक्ति का लाइफ में दो होता है, एक अपना फैमिली के प्रति और अपना कंट्री के प्रति। एक तो फैमिली के प्रति होता है और एक होता है कंट्री के प्रति। फैमिली के अंदर कौन कौन आते हैं? द पेरेंट्स आते हैं, चिल्ड्रेन आते हैं, वाइफ आते हैं, और देश के अंदर अपना कम्युनिटी, अपना लोग, अपना पीपल, ये सब। तो दोनों जिम्मेदारी वो फुलफिल करते हैं, उनके अंदर वो एबिलिटी होता है, अपना एबिलिटी से, अपना इंक्लिनेशन से, इंक्लिनेशन का मतलब होता है डिजायर, इच्छा, इच्छा से वो फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसा एक कंट्री में, साउथ अफ्रीका उस टाइम क्या था, उतना उसका एटमोसफियर, वहाँ का सिचुएशन ऐसा नहीं था कि लोग दोनों अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, दोनों ऑब्लिगेशन है, उसको पूरा कर सके। इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, माई यानी नेल्सन मैंडेला। तो खुद बोल रहे हैं कि उनका बर्थ का और उनका कलर का, उनका बर्थ मतलब वो जिस जाति से बिलोंग करते हैं, जिस कास्ट से और जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उस कम्युनिटी का कोई व्यक्ति और उनका जो स्किन का कलर है, मतलब वो क्या थे, वो एक ब्लैक मैन थे, ब्लैक ह्यूमन बीइंग था, ब्लैक इंसान थे। तो उनका जो स्किन का कलर है, और उन लोगों को क्या बोला जाता था, ब्लैक बोला जाता था, ब्लैक पीपल बोला जाता था। तो उनके कलर के कोई पीपल, कोई कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, और उनका कास्ट का, उनका कम्युनिटी का कोई व्यक्ति साउथ अफ्रीका में ये सब जो ऑब्लिगेशन है, ये दोनों ऑब्लिगेशन को पूरा करेंगे, ये लगभग क्या था, इम्पॉसिबल था। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। बोथ मतलब दोनों, ये दोनों जो ऑब्लिगेशन है इसको पूरा करना साउथ अफ्रीका में, और मैं जिस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो इस कम्युनिटी का किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, और मैं जिस कलर का हूँ, मतलब ब्लैक हूँ, तो ब्लैक, किसी भी ब्लैक आदमी के लिए, काला आदमी के लिए, ये पूरा करना लगभग क्या था, संभव था, इम्पॉसिबल था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई काला आदमी क्या करते थे, अटेम्प्ट करते थे, अटेम्प्ट का मतलब क्या है, कोशिश करना, अटेम्प्ट मतलब कोशिश करना, अगर वो कोशिश करते थे टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान जैसे जीते हैं, नॉर्मल लाइफ जो इंसान जीते हैं, अगर नॉर्मल लाइफ वो जीना चाहते हैं, एक्चुअली चाहते थे, वाज पनिश्ड, तो उनको क्या मिलता था, पनिशमेंट मिलता था, उनको दंडित किया जाता था, एंड आइसोलेटेड,
उसको आइसोलेट किया जाता था, मतलब सेपरेट किया जाता था, उसको अलग कर दिया जाता था अपना फैमिली से, अपना सोसाइटी से। तो साउथ अफ्रीका में उस टाइम, जिस टाइम पे कहानी है ये, 1994 से पहले, तब क्या होता था, अगर कोई नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे, ब्लैक आदमी, काला आदमी, तो उनको क्या किया जाता था, पनिशमेंट मिलता था और उसको आइसोलेटेड किया जाता था, मतलब उसको अलग किया जाता था, मतलब सोसाइटी से सेपरेट किया जाता था। जी बोलिए। नहीं सुनाई दे रहा, आइसोलेटेड मतलब सेपरेटेड, अलग करना, उसको अपना फैमिली से दूर करना, फैमिली से अलग कर देना, है ना। आइसोलेटेड मतलब सेपरेट करना, अकेले कर देना। क्यों ऐसा था सर, समझ में आ गया। सुनिए, मतलब बाद में जो है ना पढ़ते हैं ये, सुनिए आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा होता। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. Dekho, South Africa mein kya hota tha? A man who tried to fulfill his duty to his people. तो इसमें दो ड्यूटीज के बारे में बोला गया था, दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बोला गया था, दो ऑब्लिगेशन के बारे में बोला गया। एक था अपना फैमिली के प्रति और एक था अपना कंट्री के प्रति। फैमिली के प्रति जो अपना ड्यूटी है वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर सबके, सभी जितने भी लोग थे, सभी के भलाई के बारे में सोचोगे, कंट्री देश के भलाई के बारे में सोचोगे, तो आपको क्या किया जाएगा, इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। तो आपको अपना फैमिली से दूर, मतलब रिप्ट मतलब क्या है, पुल अवे, फैमिली से दूर लाया जाएगा आपको, पुल अवे फोर्सिबली बाय फोर्स, आपको बाहर, फैमिली से बाहर किया जाएगा, है ना। क्यों ऐसा होता है, देखिए किसी भी आदमी अगर कंट्री के बारे में सोचेंगे, उस कंडीशन में सोचे, साउथ अफ्रीका कंडीशन में जब वो सोचेंगे कंट्री के बारे में, तो क्या होगा, उनको विरोध करना होगा, किसको, सरकार का विरोध करना होगा, क्योंकि कौन लोगों को ऐसा बना के रखे थे, जो गवर्नमेंट थे, गवर्नमेंट में जो लोग थे, जो शासन कर रहे थे, जो पॉलिटिकल पार्टी, वो लोग उनको बना के रखे थे इस कंडीशन में, इस हालत में, जो ऑब्वियसली क्या था, गोरा लोग थे, मतलब व्हाइट पीपल थे। तो देश के भलाई के बारे में सोचना मतलब उनको, उनका विरोध करना होगा ना। तो उनको अगर विरोध किया जाएगा तो आप फैमिली में नहीं रह सकते, क्योंकि फैमिली में अगर रहोगे तो आपको बहुत सारे लिमिटेशंस होगा, बहुत सारे काम आप नहीं कर सकते हैं, और अगर कुछ करोगे भी तो उनके लिए आसान होगा आपको डिटेक्ट करना, आपको ढूंढना और आपको क्या करना, कैद कर देना। इसलिए आपको फैमिली से बाहर जाना ही पड़ता है। नेक्स्ट, हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली, इनएविटेबली मतलब अनिवार्य रूप से, अनअवॉइडेबली, जो अवॉइड नहीं कर सकते, जो होगा ही, इनएविटेबल, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उनको फैमिली से बाहर किया जाता था, मतलब जो वो परिस्थिति ऐसा था, सिचुएशन ऐसा होता था कि उनको फैमिली से बाहर जाना पड़ता था, एंड हिज होम, और घर से भी बाहर जाना पड़ता था, एंड वाज फोर्स्ड टू लीव अ लाइफ अपार्ट, मतलब उनका जो रिलेशनशिप होता था फैमिली के साथ वो काट किया जाता था, रिलेशनशिप और नहीं होता था, और लीव अ लाइफ अपार्ट, एक जिंदगी उनको जीना पड़ता था, अपार्ट, अपार्ट मतलब दूर, अपार्ट मतलब अलग, दूर। और वो जो सिचुएशन होता था वो होता था ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, ट्विलाइट कौन सा समय होता है, ट्विलाइट क्या होता है, तो शाम का टाइम होता है जो सूरज डूब जाता है लेकिन अंधेरा नहीं होता है, उस टाइम को बोला जाता है ट्विलाइट। और ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, देखो ट्विलाइट एग्जिस्टेंस में क्या होता है, दिन के अंत होने वाला होता है और अंधेरा रात का स्टार्ट होने वाला होता है ना, मतलब जिंदगी में जो भी अच्छाई है उसका वो खत्म होने वाला होता है और बुरा चीज स्टार्ट होने वाला होता है। देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस मतलब ए वे ऑफ लाइफ दैट इन्वॉल्व्स इल्लीगल और इमोरल एक्टिविटीज,
इनेविटेबली। आवाज बहुत तेज आ रहा है। तो जब वो गवर्नमेंट का विरोध करेंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए वो वो एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, इलीगल मतलब गैर कानूनी हो जाएगा और इमोरल। तो ये सब एक्टिविटीज जो होगा ये अब स्टार्ट होने वाला था उनके लाइफ में। एंड इन द एज ऑफ नॉर्मल सोसाइटी, आप वो नॉर्मल सोसाइटी में नहीं रह सकते। तो ट्विलाइट एग्जिस्टेंस मतलब जो नॉर्मल लाइफ जीते थे वो उसमें आप नहीं रह पाएंगे, आप उनको इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन है इसको बोला जाता है ट्विलाइट एग्जिस्टेंस। आवाज आवाज ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिवेलियन, एक तरफ उसको छिप छिप के जीना पड़ेगा। सीक्रेसी मतलब क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी गोपनीयता। तो उनका जिंदगी में बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे अभी अब। एंड रिवेलियन, एक तरफ क्या होंगे, वो रिवेलियस बन जाएंगे, वो विद्रोह करेंगे, विरोध करेंगे किसका, सरकार का, गवर्नमेंट का। फिर से पढ़ रहा हूं। तो उनका जो लाइफ होगा उसमें क्या होगा, अभी सीक्रेसी आएगा मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी आएगा, गोपनीयता आएगा और रिवेलियन विद्रोह भी करना पड़ेगा उसको। साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका का ये सिचुएशन था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल अबव माई फैमिली, जैसा होता है सबको क्या करते हैं, अपना फैमिली को सबसे पहले क्या देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, अपना फैमिली को दिया जाता है। तो नेल्सन मैंडेला वो भी फास्ट में क्या किए थे, अपना फैमिली को रखे थे देश के आगे, देश से आगे किसको रखे थे, फैमिली को रखे थे। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल अबव माई फैमिली, और जो पीपल मतलब उनके कम्युनिटी के लोग, उनका देश का लोग, उनको फैमिली से ऊपर नहीं रखे थे। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, जो वो क्या किए, कोशिश करने लगे थे, ट्राई करने लगे थे, अटेम्प्ट मतलब कोशिश करना, ट्राई करना। जब वो ट्राई करने लगे थे टू सर्व माई पीपल, सर्व करना सर्विस देना किसको, अपना लोगों को मतलब देश के लोगों को। तो जब देश के लोगों का भलाई के लिए वो सोचने लगे थे, उनका भलाई के लिए बारे में कोशिश करने लगे थे, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस। तब उन्होंने देखा नेल्सन मैंडेला ने कि उनको प्रिवेंट किया जा रहा था, उनको रुका जा रहा था फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, उनका जो ऑब्लिगेशन है, उनका जो ड्यूटीज है, एज अ सन का ड्यूटी क्या होता है, एक बेटा का ड्यूटी क्या होता है, अपना जो पेरेंट्स होते हैं उनका, उनको अच्छा करना। एक बेटा का जो ड्यूटी है, एक सन का ड्यूटी है, वो करने से उनको रुका जा रहा था। ए ब्रदर का जो ड्यूटी है वो करने से रुका जा रहा था। एंड ए फादर एंड अ हस्बैंड, वो अच्छा पिता नहीं बन सकते थे और एक हस्बैंड अच्छा हस्बैंड नहीं बन सकते थे। वो जो ड्यूटीज है उनसे उन लोगों को रुका जा रहा, वो करने से उनको रुका जा रहा। तब जब उन्होंने अपना कंट्रीज के बारे में सोचना स्टार्ट किए थे, कंट्री का भलाई के लिए सोचना स्टार्ट किए थे, तब उन्होंने देखा ये जो कंडीशन आया था उससे वो अपना फैमिली का भलाई नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते। किसी पास नहीं है, लिंक शेयर कर रहे हैं उस पर देखना हो गया। अब क्यों ऐसा होता है तो बता दिया आप लोगों को, क्योंकि फैमिली के अंदर रह के ये सब काम नहीं कर सकते थे, देश का विरोध नहीं कर सकते। आप अपना जो बचपन के बारे में, अपना जो फैमिली के बारे में कुछ बता रहे हैं, नेल्सन मैंडेला इज सेइंग अबाउट हिज फैमिली। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। तो मेरा जब जन्म हुआ था और जिस फैमिली में जन्म हुआ था उसमें क्या नहीं था, हंगर नहीं था, हंगर मतलब भूख नहीं था। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर, तो एक पुअर फैमिली में उनका जन्म नहीं हुआ था जहां से उनको फ्रीडम चाहिए था, फ्रीडम मतलब आजादी चाहिए था। तो ऐसा फैमिली नहीं था कि जहां से मतलब ऐसा पुअर फैमिली नहीं
था कि भूख से आजादी उनको चाहिए था. एक्चुअली somehow he belonged to a rich family, थोड़ा सा रिच फैमिली रिच था और उनको मतलब भूखा नहीं रहना पड़ता था, इसलिए भूख से आजादी उनको नहीं चाहिए था. He did not want freedom from hunger. Hunger से, भूख से उनको आजादी नहीं चाहिए था. I was born free. वो freely उनका बर्थ हुआ था as a स्वतंत्र व्यक्ति. Free in every way that I could know. जितने मतलब लाइफ जैसे जिया जा सकता था वो फ्री थे, हर तरीके से वो फ्री थे, वो स्वतंत्र थे, कुछ भी काम कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे. तो नेल्सन मैंडेला का बर्थ हुआ था, एक बहुत ज्यादा पुअर फैमिली नहीं था वो, और वो कुछ भी कर सकते थे, वो फ्री थे, कुछ भी करने के लिए वो फ्री थे. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माय मदर्स हट. उनका जो मम्मी का हट था, छोटा सा घर था, उसके चारों तरफ वो भाग सकते थे. He could run in the fields near my mother's hut. उनका मम्मी का जो हट है, घर है छोटा सा, उसके चारों तरफ जो फील्ड है उसमें वो भाग सकते थे. Free to swim in the clear stream. Stream का मतलब होता है धारा, छोटा सा स्रोत. तो स्ट्रीम में, क्लियर स्ट्रीम नदी का जो होता है, रिवर का जो करंट होता है उसको स्ट्रीम बोला जाता है. तो फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज. उनका विलेज के पास से, बगल से जो स्ट्रीम निकला था, जो रिवर गया था, उसमें वो स्विम कर सकते थे. ही वॉज फ्री टू स्विम इन दैट स्ट्रीम. फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स. रोस्ट, रोस्ट मतलब पकाना, कुक. रोस्ट मतलब पकाना, कुक करना. रोस्ट मिलीज, मिलीज मतलब मील्स, भोजन. तो भोजन बना सकते थे, भोजन पका सकते थे, कहाँ? अंडर द स्टार्स, खुला आसमां के नीचे. और स्टार कहाँ, कब होगा? रात में होता है. तो रात में वो बाहर जाके कहीं भी खाना पका सकते थे, उतना फ्री वो थे, उतना स्वतंत्र थे वो. एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. और बुल्स जो होता है, ऑक्स जो होता है, उसका जो बैक, उसका पीठ पे वो क्या करते हैं, राइड कर सकते थे, उसमें भी वो राइड कर सकते थे. बुल्स या ऑक्स के पीठ में भी वो राइड कर सकते थे, इतना फ्री वो थे. तो उनका बचपन जो था वो एक फ्री मतलब आजाद पर्सन जैसा बीता था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब. ओबे, ओ वी ई वाई, एंड अवॉइड बाई, दोनों का मतलब एक ही है, पालन करना, मानना. तो आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने मेरा पापा का जो बात है, पिताजी का जो बात है, वो ओबे किए, पालन किए, वो माने. और अवॉइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मेरा जो ट्राइब है, मेरा ट्राइब का जो कस्टम्स, रीति, मेरा जो जाति है, मेरा जो कम्युनिटी है, उसका जो रीति था, कस्टम्स था, उसको जब तक अवॉइड बाय किए, जब तक ओबे किए, जब तक पालन किए, जब तक माने, आई वॉज नॉट ट्रेवल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड. तो भगवान का क्या होता है, कुछ लॉज होता है, कुछ कानून होता है जो हम लोगों को मानना पड़ता है, जो कस्टम्स होता है, जो रीति रिवाज होता है, वो क्या है, वो माना जाता है कि दीज आर द लॉज ऑफ गॉड, ये भगवान का कानून है. तो उनके आंखों में, भगवान के आंखों में मैं क्या नहीं था, मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ था. उनके आंखों में मैं मतलब जिम्मेदार आदमी नहीं था, मैं बुरा आदमी नहीं था. और इन द लॉ, सॉरी, बाय द लॉज ऑफ मैन, जो लॉज, जो कानून लोग बनाए हैं, इंसान बनाए हैं, उसमें भी मैं गिल्टी नहीं था, उसमें भी हम अपराधी नहीं थे. तो जब तक वो अपना पिताजी की बात मानते रहे, अपने फैमिली में रहे, जब तक वो अपना रिचुअल्स को, अपना कस्टम्स को, रीति रिवाजों को मानते रहे थे, तब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, ना भगवान से और ना इंसान से, ना गवर्नमेंट से, ना भगवान से. नेक्स्ट क्या हुआ था, तब प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुआ था, देखिए. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, व्हेन आई डिस्कवर्ड
as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for. तो उनका जो फ्रीडम के लिए हंगर वो बचपन में नहीं था, आजाद होने के लिए उनका जो इच्छा वो बचपन में नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी वो क्या थे, आजाद थे, स्वतंत्र थे, फ्री थे. लेकिन जब उनको पता चला, व्हेन आई बिगेन टू लर्न, जब वो सीखे थे किसके बारे में, दैट माय बॉयहुड फ्रीडम, अपना बॉयहुड मतलब नहीं, कहां से नहीं समझ में आ रहा. हेलो, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है सर, आवाज नहीं आ रहा अच्छे से. अच्छे से आवाज नहीं आ रहा सर, देखिए सुनिए, कोशिश कीजिए सुनने का. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. तो जब मैंने सीखा था, जब स्टार्ट किए थे सीखना, कि मेरा जो बॉयहुड फ्रीडम, जब वो बच्चा था, एक बॉय था, तब उनका जो फ्रीडम था, उनका जो आजादी था, वो क्या था, वाज एन इल्यूजन. इल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम, जो रियल नहीं था, लेकिन माना जाता था, वो मानते थे कि रियल है, वास्तव है, लेकिन वो रियल नहीं था, वो था एक इल्यूजन, मतलब भ्रम. तो जब उन्होंने जाना, जान पाए कि उनका जो बचपन का फ्रीडम वो एक इल्यूजन था, एक भ्रम था, एक्चुअली वो फ्री नहीं था, व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब वो डिस्कवर किए, जब उनको पता चला, एज अ यंग मैन, जब वो यंग हो गए थे, जब वो बॉय नहीं थे, बच्चा नहीं था, दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि उनका जो फ्रीडम था वो ऑलरेडी उनसे ले लिया गया था, मतलब छीना गया था, that I began to hunger for it. तब वो इस फ्रीडम के लिए, ये आजादी के लिए क्या उनका भूख बढ़ गया था, वो भूखा हो गया. एक्चुअली उनको आजादी चाहिए था, आजाद होने का इच्छा उनके मन में आ रहा था. कब आ रहा था, जब उनको पता चला था कि एक्चुअली वो फ्रीडम नहीं, फ्री नहीं थे, बचपन में वो एक्चुअली फ्री नहीं थे, उनका फ्रीडम पहले ही ले लिया गया था, तब फ्रीडम के प्रति उनका जो इच्छा, फ्रीडम फ्री होने के प्रति जो इच्छा वो बढ़ने लगा था उसके अंदर. एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. तब जब वो स्टूडेंट था, जब ही वॉज अ स्टूडेंट, तब क्या चाहते थे वो, जब ही वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए, मेरे खुद के लिए मुझे फ्रीडम चाहिए था. कैसा था फ्रीडम, क्या चाहते थे वो, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. ट्रांजिटरी मतलब जो परमानेंट नहीं है, जो कुछ ही क्षण के लिए है, कुछ ही पल के लिए है, वो होता है ट्रांजिटरी. ट्रांजिटरी का मीनिंग होता है नॉट परमानेंट, जो परमानेंट नहीं है. तो उनको ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहिए था, कुछ पल के लिए फ्रीडम चाहिए था, जिसमें क्या करेंगे वो, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जिसमें वो सक्षम होंगे स्टे एट नाइट, मतलब रात में बाहर वो रुक सकते. तो एज ए स्टूडेंट उनको क्या क्या चीज से फ्रीडम चाहिए था, डेली डेली घर आना पड़ता था, रात में अपना घर वापस आना पड़ता था, तो उससे उनको क्या चाहिए था, फ्रीडम चाहिए था, कि रात में वो जब मर्जी, जब इच्छा हो उनका, तो वो बाहर रुक सके. तो इसके लिए फ्रीडम उनको चाहिए था, जो उनको नहीं मिल रहा था. नेक्स्ट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो व्हेयर आई चूज. और क्या चाहिए था उनको, जो मर्जी वो पढ़ सके, उनको जो इच्छा होगा, सिर्फ सिलेबस नहीं, सिलेबस में जो किताब है वो नहीं, जो इच्छा होगा वो पढ़ सके. तो पढ़ने के लिए भी उनको फ्रीडम चाहिए था. रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो व्हेयर आई चूज, और जहां इच्छा होगा, जहां लाइक करेंगे वो वहां जा सके. तो तीन चीजों से उनको फ्रीडम चाहिए था जब ही वॉज ए स्टूडेंट. व्हेन ही वॉज ए स्टूडेंट, ही वॉन्टेड फ्रीडम फ्रॉम थ्री थिंग्स. तीन चीजों से चाहिए था फ्रीडम उनको. ही वॉन्टेड टू बी टू स्टे outside home at night,
रात में वो अपने घर के बाहर रुक मतलब रुकना चाहते थे और he wanted to read whatever he liked, जो उनका पसंद है वो पढ़ना चाहते थे और what I pleased and go where I choose, और जहां मर्जी वहां जा सकते थे। तो ये तीनों चीज उनको चाहिए था। बाद में later as a young man in Johannesburg, बाद में वो कहां रहते थे, जोहानिसबर्ग में रहते थे। जब वो जोहानिसबर्ग में रहते थे तब क्या चाहिए था उनको, I yearned, yearned, yearn का मतलब होता है have an intense feeling of longing, मतलब बहुत strong इच्छा, बहुत ज्यादा strong। सर फिर से कहा थी, रिपीटिंग करिए ना। हाँ रिपीट करिए ना फिर से। अच्छा कौन सा पीछे थोड़ा सा। At first, as a student, तो जब उनको पता चला कि उनका जो बॉयहुड फ्रीडम था, बचपन का जो फ्रीडम था, वो एक्चुअली एक इल्यूशन था, एक भ्रम था, वो रियल नहीं था, वास्तव नहीं था, तब फ्रीडम के प्रति फ्री होने के उनका इच्छा जग गया उसके मन में। तब क्या किए, एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, कैसा था वो इच्छा, कैसा था वो चाहत उनके मन में जो आया था फ्री होने का इच्छा। देखिए एज ए स्टूडेंट, पहले तो स्टूडेंट जब वो स्टूडेंट था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तब उनको अपने लिए खुद के लिए फ्रीडम चाहिए था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट होम नाइट, नाइट में वो घर के बाहर रहना चाहते थे, रीड व्हाट आई प्लीज, जो इच्छा उनका वो पढ़ना चाहते थे, एंड गो व्हेयर आई चूज, और जहाँ इच्छा वहाँ जाना चाहते। तो ये तीन चीजों में उनको फ्रीडम चाहिए था एज ए स्टूडेंट। बाद में लेटर एज ए यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, बाद में वो कहाँ रहते थे, जोहानिसबर्ग में रहते थे, तो वो यंग हो गए थे, आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, तो वो अपना जो एग्जिस्टेंस है, अपना जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब क्षमता है, वो दिखाना चाहते थे। वो और वो जो फ्रीडम होगा वो ऑनरेबल होगा, बहुत सम्मानीय होगा, लोग सम्मान करेंगे। और क्या चाहते थे, ऑफ अर्निंग माय कीप, मेरा जो कीप है, कीप मतलब क्या है, लाइवलीहुड, जीविका, कीप मतलब लाइवलीहुड मतलब जीविका, तो अपना जो जीविका है, जीने के लिए जो खर्चा होगा वो खुद कमाने का उनका इच्छा था, ऑफ अर्निंग माय कीप, तो वो चाहते थे उनका जो लाइवलीहुड है वो खुद कमाए, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, तब क्या चाहते थे, और मैरी करना चाहते थे मतलब शादी करना चाहते थे, एंड एक फैमिली बनाना चाहते थे, फैमिली बनाना चाहते थे। तो एज ए स्टूडेंट उनको तीन चीज चाहिए था, उसके बाद जब जोहानिसबर्ग में रहते थे तब उनको क्या चाहिए था, अपना एग्जिस्टेंस जो है, अपना समता है वो दिखाना चाहते थे, और अपना कमाई खुद कमाना चाहते थे, अपना लाइवलीहुड जीविका खूब अर्न करना चाहते थे, और शादी करना चाहते थे, एक फैमिली बनाना चाहते। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ये जो फ्रीडम है, ये जो आजादी है, स्वतंत्रता है, इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और ये जो फ्रीडम है ये पाने के लिए कानून से कोई परेशान नहीं होना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो ये जो फ्रीडम पाने का इच्छा उनके अंदर आया था जब स्टूडेंट थे और बाद में जब जोहानिसबर्ग में रहते थे, ये फ्रीडम पाने के लिए उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था और नहीं होता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट देन आई स्लोली सॉ That not only was I not free, देखिए बहुत सारे negative word है, not only was I not free, दो not लगाया गया है, ये easy भी हो सकता था sentence, but then I slowly saw, धीरे धीरे मैंने देखा, क्या देखा, that not only was I not free, सिर्फ मैं ऐसा नहीं था जो free नहीं थे, तो सिर्फ मैं ऐसा नहीं था जो free नहीं थे, अकेले नेल्सन मंडेला ऐसा नहीं था जो फ्री नहीं थे, जो आजाद नहीं थे, बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वो लोग भी फ्री नहीं थे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कौन लोग,
द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, उनका जाति का जो लोग है, उनका कम्युनिटी का जो लोग है, वो लोग भी ठीक नहीं थे। स्लोली धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ, वो उन्होंने देखा कि सिर्फ अकेले वो ऐसा नहीं था जो फ्री नहीं था, बहुत सारे ऐसे लोग थे, उनका ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो लोग भी आजाद नहीं थे, फ्री नहीं थे। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, दैट वॉज कार्टेल। सिर्फ मेरा फ्रीडम, मेरा आजादी ऐसा नहीं था जो रिड्यूस्ड किया जाता था। कार्टेल मतलब रिड्यूस्ड, कम हो जाना, क्या कम हो जाना। तो मेरा जो फ्रीडम सिर्फ वही कम नहीं हो रहा था, सिर्फ अकेला मेरा फ्रीडम कम नहीं हो रहा था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, सभी का फ्रीडम, सभी का आजादी, सभी का स्वतंत्रता कम हो रहा था। हु लुक्ड लाइक आई डिड, सभी का मतलब कौन लोग, सभी मतलब जितने भी लोग थे साउथ अफ्रीका में, सबको ही नहीं, जिनका सोच, जिनका सोच था, जिनका जो सोचते थे किसके तरफ, वो नेल्सन मैंडेला का तरह सोचते थे, जिनका सोच नेल्सन मैंडेला से मिलता था, जो सबका भलाई चाहते थे, कंट्री का भलाई चाहते थे, अच्छाई चाहते थे, उनका जो फ्रीडम है वो रिड्यूस किया जाता था और कार्टेल्ड हो रहा था। रिड्यूस का मतलब है कार्टेल्ड, कम हो रहा था। तो नेल्सन मैंडेला एंड जितने भी लोग थे उनके जैसा सभी का फ्रीडम कम हो रहा था। That is when I joined the African National Congress. ये वो वक्त था, इसी सिचुएशन में क्या किए थे वो नेल्सन मैंडेला, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किए थे, उस पार्टी का, उस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बने। कब बने थे, जब उन लोगों का फ्रीडम कम हो रहा था, फ्रीडम रिड्यूस किया जा रहा था, तब उन्होंने क्या किए थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किए थे, उनका मेंबर बने थे। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। और इसी समय जब वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में योगदान किए थे, उसमें उसका हिस्सा बने थे, तब तो उनका जो अपना फ्रीडम था, खुद का फ्रीडम था, वो खुद के लिए जो सोच रहा था, जैसा क्या करना, वो रात में बाहर रहना, कुछ भी पढ़ना जो मर्जी, और शादी करना, ये सब जो चाहिए था उनको, ये जो फ्रीडम उनको चाहिए था, ये क्या हो गया था, फ्रीडम के लिए जो हंगार था उनको, वो बिकेम बन गया था द ग्रेटर हंगार, वो थोड़ा सा ग्रेट ज्यादा हो गया था, और वो हंगार था फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल, मेरे जो पीपल है, मेरा जो लोग है, तो मतलब द पीपल ऑफ हिज कंट्री, उनके लिए उनका जो हंगार था वो क्या हो गया था, बढ़ गया था। नेक्स्ट, इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लीव देयर लाइफ विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। इट वॉज द डिजायर, दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, तो उनके अंदर क्या आ गया था, एक डिजायर आ गया था, एक इच्छा आ गया था। डिजायर का मतलब अभिलाष या इच्छा, क्या करने की इच्छा, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, अपना जो लोग है, अपना जो पीपल है, उनको उनका जो फ्रीडम है उसके लिए, उनका आजादी के लिए एक इच्छा उनके अंदर आ गया था, किसके अंदर, नेल्सन मैंडेला के अंदर। वो चाहते थे द पीपल शुड लीव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी, जो लोग है अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का, वो लोग अपना जिंदगी जियेंगे विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना मर्यादा के साथ, अपना डिग्निटी के साथ, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ, आत्मसम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ। एंड एनिमेटेड माय लाइफ, तब क्या हुआ था, उनका जो लाइफ था जो अभी तक इनएनिमेटेड, उनके लिए इनएनिमेटेड था, मतलब वो सजीव नहीं था, उसके अंदर जान नहीं था, तो अब क्या हुआ, उनके लाइफ में जान आ गए, तो अब उठे, अपने लाइफ से जागे और कुछ बनना चाहते, कुछ करना चाहते। They transformed a frightened young man into a bold one. ट्रांसफॉर्म किए, ये जो इच्छा था उनके अंदर, अपना पीपल का भला करने का इच्छा, ये इच्छा क्या कर दिए थे, They transformed a frightened young man.
ये इच्छा उनके अंदर था, वो ट्रांसफॉर्म कर दिए थे, मतलब। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। एनिमेटेड का मतलब होता क्या है? एनिमेटेड मतलब जो सजीव वस्तु होता है उसको एनिमेटेड ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जिसके अंदर जान होता है वो होता है एनिमेटेड, और जिसके अंदर जान नहीं होता है वो हो जाता है इनएनिमेटेड। यस सर, थैंक यू सर। देखिए ये नेल्सन मंडेला के अंदर जान नहीं था ऐसा नहीं है, जान तो था, लाइफ तो था, वो तो एक इंसान थे ना, लेकिन उसमें जान आ गया था मतलब वो और क्या हो गए थे, ज्यादा एक्टिव हो गए थे, ये इच्छा उनको एक्टिव बना दिए थे। उनका जो लोग थे कंट्री का भलाई के लिए जो सोच रहे थे वो, ये इच्छा उनको एक्टिव, ज्यादा एक्टिव बना दिए। और ये इच्छा क्या किया था, ये जो डिजायर था ये ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। वो खुद मान रहे थे कि वो फ्राइटेंड थे, वो डरते थे, फ्राइटेंड मतलब डरपोक थे। तो एक फ्राइटेंड यंग मैन को, युवा को क्या किए थे, इनटू अ बोल्ड वन, एक बोल्ड बना दिया था, मतलब ब्रेव बना दिया था, साहसी बना दिया था। उसके अंदर वो साहस आ गया था, वो ब्रेवनेस आ गया था, बोल्डनेस आ गया। That drove a law-abiding attorney to become a criminal. वो क्या थे? एक attorney थे, एक lawyer थे। Nelson Mandela was a student of law. Law पढ़ाई करते थे, कानून पढ़ते थे, और he was an attorney. Attorney थे वो, एक lawyer थे। एक lawyer को, lawyer क्या करते हैं? जो कानून है उसको, उसका कोई ना तोड़े ये काम करते हैं। वो देखते हैं कौन? लॉयर। और जो कानून तोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? पनिशमेंट देते हैं। कौन देते हैं? लॉयर देते हैं। तो लॉ का मेंटेन करना उनका जिम्मेदारी होता है। तो एक आदमी जिनका जिम्मेदारी है, जिनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ को मेंटेन करना, कानून को मेंटेन करना, वो क्या बन गए थे? एक क्रिमिनल बन गए थे। क्रिमिनल देखो, एक्चुअली नेल्सन मंडेला क्रिमिनल थे। ये कौन क्रिमिनल है और कौन क्रिमिनल नहीं है, ये उनके जो देखते हैं, जो बोलते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेल्सन मंडेला का जो लोग थे, उनके साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, जो ब्लैक पीपुल थे, उनके लिए वो क्रिमिनल नहीं थे, उनके लिए एक पैट्रियट थे वो, मतलब देशभक्त थे। लेकिन गवर्नमेंट के लिए, जो वाइट पीपुल का गवर्नमेंट थे, उनके लिए वो क्रिमिनल थे। तो एक लॉयर को क्या बना दिया था? एक क्रिमिनल बना दिया था। क्या चीज? वो कौन सा चीज था जो उनको क्रिमिनल बना दिया था? द डिजायर, उनका जो डिजायर था, किसके लिए डिजायर? फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल, उनके जो लोग थे उनका फ्रीडम के लिए जो इच्छा था, ये इच्छा उनको बना दिए थे एक क्रिमिनल। कहां से? एक लॉयर से, एक अटॉर्नी से उनको क्रिमिनल बना दिया। दे टर्नड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट ए होम। फैमिली से उनको, उनका बहुत ज्यादा प्यार था, वो प्यार करते थे फैमिली मेंबर्स को, तो फैमिली में रहना उनको पसंद था। तो फैमिली लविंग मैन को क्या बना दिया था? एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी बना दिया था जिसका कोई घर नहीं था, विदाउट ए होम, जिसका कोई घर नहीं था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। तो उनको लाइफ पसंद था, जिंदगी पसंद था। बचपन में क्या करते थे? वो खेलते रहते थे, घूमते रहते थे, नदी में जाते थे, वहाँ नहाते थे, स्विम करते थे। तो उनको क्या पसंद था? लाइफ पसंद था, जीना, लाइफ को जीना पसंद था। तो ये लाइफ लविंग मैन को क्या बना दिया था? टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक मॉन्क जैसा, एक साधु जैसा, एक सन्यासी जैसा, जैसा लाइफ जीता है ऐसा लाइफ जीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। आई एम नो मोर वर्चुअस, I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. तो मेरे पास जो लोग थे, मेरे अगल बगल में जो लोग थे, मेरा जो companions थे, तो उनके, उनसे ज्यादा virtuous और ज्यादा self-sacrificing मैं नहीं था। उनसे वो जितना virtuous थे, जितना धार्मिक थे, virtuous मतलब holy, मतलब धार्मिक थे, मैं उनसे ज्यादा धार्मिक नहीं था, उनसे ज्यादा virtuous नहीं था। और सेल्फ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग, उनसे उन लोगों से ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस भी हम नहीं किए थे, आत्म बलिदान भी नहीं किए थे। बट
I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not. लेकिन मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया कि जो फ्रीडम मुझे मिला था, वो फ्रीडम घर में स्वाधीन, मतलब घर में रहने का जो फ्रीडम था, फैमिली मेंबर्स के प्रति उनका जो ऑब्लिगेशन था वो सब पूरा करने का जो फ्रीडम था, वो फ्रीडम जो उनको मिला था, जब मैंने देखा I knew my people were not free, जब देखा कि मेरे देश का लोग फ्री नहीं है, तो वो फ्रीडम को मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा था। मेरे पास फ्रीडम था, मैं जहाँ इच्छा घूम सकता था, जो इच्छा पढ़ सकता था, फैमिली का देखभाल कर सकता था, तो ये जो फ्रीडम था, फ्रीडम इसका कुछ आनंद होना चाहिए था, कुछ ये एंजॉय करना चाहिए था उनको, लेकिन जब उन्होंने देखे कि उनका पीपल, उनके देश के लोग क्या है, फ्री नहीं है, तो वो एंजॉयमेंट जो उनके अंदर आना चाहिए था, जो आनंद उनको होना चाहिए था, वो उनको नहीं मिल रहा था। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, फ्रीडम मतलब सबके साथ होता है, अकेला अकेला नहीं होता कि मैं अकेला फ्री हूँ और मेरे चारों पास जो लोग हैं वो लोग फ्री नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिविजिबल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जो जिसका विभाजन हम लोग नहीं कर सकते, अभाज्य। The chance on any one of my people or the chance on all of them. So, अगर देश का एक भी व्यक्ति फ्री नहीं होंगे तो देश का कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं होंगे, तो द चांस मतलब क्या होता है, जंजीर, ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, अगर एक भी लोग, एक भी पर्सन जंजीर में फंसा हुआ होंगे, तो ये चैन, ये जो जंजीर होगा, ये सबके लिए होगा, जितने भी लोग हैं, और द चैन्स ऑन ऑल ऑफ देम, सबके लिए चैन्स होंगे, सबके लिए ये जंजीर होंगे। द चैन्स ऑन ऑल माय पीपल, और देश का सब लोग अगर चैन में फंसे होंगे, मतलब बंधा रहेंगे, और तो क्या होगा, और द चैन्स ऑन मी, तो ये चैन जो है ये मेरे लिए भी होगा। तो अगर एक भी व्यक्ति फ्री नहीं है तो जितने भी लोग हैं कोई फ्री नहीं है, अगर जितने भी लोग हैं साउथ अफ्रीका में कोई फ्री नहीं है, अगर कोई फ्री नहीं है तो वो खुद भी फ्री नहीं हो सकते, खुद भी आजाद नहीं हो सकते। तो एट लास्ट वी हैव कम टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द प्रोज ऑफ द ऑटोबायोग्राफी, देखो नेक्स्ट। आई न्यू दैट द ऑपरेटर मस्ट बी liberated just as surely as the oppressed. Liberate का मतलब क्या होता है? Liberation का मतलब भी freedom ही होता है, स्वतंत्र होना। तो जो oppressed लोग हैं, जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है, उनको तो freedom चाहिए, लेकिन according to Nelson Mandela, के हिसाब से जो लोग oppress करते हैं, जो लोग ऑपरेशन करते हैं, जो लोग जुल्म करते हैं, उनको भी फ्रीडम चाहिए, उनको भी लिबरल होना पड़ेगा, उनको भी फ्रीडम चाहिए। कैसे? ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो लोगों का फ्रीडम, लोगों का आजादी, लोगों का स्वतंत्रता छीनता है, वो खुद एक प्रिजनर है, खुद एक कैदी है, इसका हैट्रेड का। हैट्रेड मतलब क्या होता है? घृणा, है ना? तो वो खुद भी प्रिजनर है, वो प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, हैट्रेड का प्रिजनर है, घृणा का प्रिजनर है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रिजुडिस मतलब पक्षपात होता है, बायासनेस होता है, कि एक को अच्छा, मतलब किसी को एक नजर से देखते हैं और एक व्यक्ति को दूसरा नजर से देखते हैं, ये होता है बायासनेस, ये होता है प्रेजुडिस। तो वो खुद क्या है? लॉक्ड है, वो खुद लॉक्ड है किसमें? बिहाइंड द बार्स, बार्स के अंदर, बार मतलब जेल के अंदर, जो जेल किसका होगा? प्रेजुडिस का होगा और नैरो माइंडेडनेस का होगा। तो उनका जो माइंड है वो लिबरेट नहीं है, उनका माइंड जो है वो फ्री नहीं है, उनके अंदर नैरोनेस है।
तो जो लोग ऑपरेशन करते हैं, जो लोग अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, वो लोग भी खुद नहीं है, खुद क्या नहीं है, फी नहीं है, क्योंकि उनका जो माइंड है, उनका जो दिल है, वो क्या है, वो भी एक बार के अंदर कैद है, वो फील ही नहीं सो सकता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, अगर और किसी का फ्रीडम मैं छीन रहा हूँ तो मैं सचमुच फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जैसा मुझसे अगर मेरा फ्रीडम छीना जाएगा, मेरा आज़ादी छीना जाएगा, तो मैं फ्री नहीं बनूंगा। ठीक एक ही तरीके से अगर मैं किसी का फ्रीडम छीन रहा हूँ तो मैं फ्री नहीं हूँ, मैं खुद स्वतंत्र नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो ऑप्रेस्ड है और जो ऑप्रेसर है, जो जुल्म करते हैं, जो अत्याचार करते हैं और जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है, दोनों को क्या किया जाता है, रॉब किया जाता है, लूटा जाता है, दोनों से उनका जो फ्रीडम है वो छीना जाता है, उनका जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, वो छीना जाता है। थैंक यू फॉर टुडे, है ना। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट इन अ मोमेंट, और नेक्स्ट डे देखते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं। वेल थिंक, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।